नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल फूंक दिया है और उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ इस तरह के लोग हैं जो तुष्टीकरण करते हुए अपने स्वार्थ के लिए छोटे छोटे कुनबे दूसरों के खिलाफ खड़े कर देते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी सरकार है जो लगातार विकास कार्य में लगी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एमएसएमई दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की है और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने छोटे उद्यमियों को बैंकों से 20,000 करोड़ रुपए के लोन का वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यूपी में व्यापार की व्यापक संभावनाएं हैं। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि भारतीय पैकेजिंग संस्थान के साथ एमओयू भी साइन किया गया है। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां हम कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाने की क्षमता रखने वाले इस सेक्टर की स्थापना दिवस के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं स्वतः रोजगार के एक नए कार्यक्रम को भी एक नई ऊंचाई प्रदान की जा रही है। आज अनेक कार्यक्रम एक साथ यहां पर आयोजित हो रहे हैं, जिसमें अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के हमारे बैंकर्स के द्वारा 20,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के कार्यक्रम को, एक बड़े ऋण वितरण के कार्यक्रम को भी आज आगे बढ़ाया गया है, जिसके माध्यम से 3,41,000 से अधिक एमएसएमई उद्यमियों को ऋण वितरण का कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के साथ संपन्न हो रहा है। भाइयों बहनों, आप इस क्षमता को देख सकते हैं, 3,41,000 एमएसएमई उद्यमी एक साथ ऋण उपलब्ध करें, 20,000 करोड़ रुपए की एक अच्छी खासी राशि ऋण वितरण के लिए उपयोग की जा रही हो। आप स्वतः ही उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को देख सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है एमएसएमई सेक्टर में जो उत्तर प्रदेश की व्यापक संभावनाएं हैं, आज यहां पर 14 लाभार्थियों को यहां पर इस कार्यक्रम के साथ हम लोगों ने इस ऋण वितरण के साथ जोड़ा ही है, लेकिन साथ ही साथ 11 ओडीओपी उत्पादों को आज जीआई टैग का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है। उधर यूपी हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने कहा है कि आज देश का मुस्लिम खुश है क्योंकि उसका तेजी के साथ विकास हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने उन लोगों को आईना दिखाने का काम किया है जिन्होंने देश के मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक बना के रखा हुआ था। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर बृजेश पाठक ने जमकर निशाना साधा और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी खत्म हो चुकी है और एकता का अब कोई भी मतलब नहीं रह गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी पूरी तरह से पटरी से अब उतर चुकी है। देखिए, अच्छा कानून है, इससे अपराधियों में भय होगा और कड़ी सजा मिल सकेगी। क्या लगता है किस हद तक ये कारगर साबित होगा? बहुत कारगर साबित होगा, ये बहुत बहुत आवश्यक था। ये लगातार पीडीए जो है वो एनडीए को, अरे कोई मतलब नहीं, बार बार कोई मतलब नहीं, सपा खत्म है। कौशाम्बी में सुबह 5 बजे एसटीएफ की एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई जिसमें दोनों तरफ से फायरिंग की गई थी और इस कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी जिससे बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल को इलाज के दौरान अस्पताल में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। तो मौके से 9 पिस्टल्स भी बरामद की गई है और यूपी एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी और उसी दौरान उसकी मौत हो गई। सुबह लखनऊ की एसटीएफ टीम के द्वारा समदा क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है।
जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है, जिसे मंझकपुर अस्पताल ले आया गया जहां दौरान उपचार उसकी मृत्यु हो गई है। इसकी पहचान प्रतापगढ़ निवासी गुफरान के रूप में हुई है। ये शातिर अपराधी है। अब तक की जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ में इसके विरुद्ध हत्या के प्रयास और लूट के 13 मुकदमे पंजीकृत है और इसके ऊपर 125,000 रुपए का इनाम भी। तो 125,000 का इनामी बदमाश गुफरान ढेर हो चुका है और यूपीएसटी और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी और तभी बदमाश को गोली लग गई और इलाज के दौरान फिलहाल उसकी मौत बताई जा रही है। तो 125,000 का इस पे इनाम घोषित था और हत्या लूट और हत्या के प्रयास सहित कई मामलों में ये अपराधी वांछित था। तो फिलहाल अब मुठभेड़ के दौरान गुफरान ढेर किया जा चुका है और मौके से 9 पिस्टल्स और रिवॉल्वर्स भी बरामद की गई हैं। तो यूपीएसटीएफ और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गुफरान ढेर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए तौकीर किदवई का रुख कर लेते हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तौकीर, तो गुफरान ढेर किया जा चुका है और पुलिस और बदमाशों के बीच, यूपीएसटीएफ और बदमाशों के बीच जिस तरह से मुठभेड़ हुई थी और उसके बाद गुफरान का ढेर हो जाना, कितनी बड़ी सफलता यूपीएसटीएफ के लिए? देखिए, गुफरान की बात की जाए तो एक बड़ी सफलता इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि 125,000 का इनाम उसके ऊपर जारी था। 9mm पिस्टल मिली है, करीब 13 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज थे और सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ का नामी चेहरा बन चुका था ये। लेकिन इसके पीछे एक रोचक जानकारी भी सामने आई है कि गुफरान और पुलिस के बीच जो मुठभेड़ हुई उसके पीछे कहानी भी सामने निकल कर आई, जिसमें गुफरान के बारे में बताया जा रहा है कि गुफरान जैद का साथी था। जेल में, प्रतापगढ़ जेल में जैद और गुफरान साथ में थे और जो जैद का भाई है तौकीर, उसके ऊपर इनाम था और पुलिस मुठभेड़ में उसे 2019 में, जून 2019 में उस पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। और जैद ने कसम खाई थी कि जिन पुलिसकर्मियों ने उसके भाई को मुठभेड़ में मार गिराया है उनकी वो हत्या करेगा और इसी साजिश के तहत गुफरान को उसने अपने साथ में लाया था। और 125,000 का इनामी था गुफरान और पेशेवर अपराधी था और यही दोनों लोग मिलकर, दो इंस्पेक्टर ऐसे जो थे एसटीएफ के, उनको मारने की पूरी रणनीति तैयार की गई थी। और पुलिस को लेकिन जब इस बात की भनक लगी तो पुलिस ने गुफरान की तलाश तेज की और आज कौशाम्बी में मुठभेड़ में गुफरान को मार गिराया गया है। 125,000 का इनामिया था और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास जो असलहे मिले हैं वो हाईटेक वेपन्स हैं। बिल्कुल तौकीर, तो क्या लगता है कि अब इस पूरे मामले में, जो आपने भी तमाम बातें कही हैं, कुछ और भी खुलासे होना संभव है? देखिए, मैंने आपको बताया कि प्रतापगढ़ सुल्तानपुर के हत्या के प्रयास, रंगदारी, 13 ऐसे मुकदमे दर्ज थे इसके ऊपर जिसको लेकर इसकी तलाश की जा रही थी। लेकिन जब एसटीएफ को इस बात की भनक लगी कि जो जैद की हत्या करने वाले, जैद की जो मुठभेड़ में मार गिराया जिन लोगों ने, उन पुलिसकर्मियों की तलाश की जा रही है, उन पुलिसकर्मियों की इन लोग रेकी कर रहे हैं और इसके बाद हत्या कर सकते हैं ऐसे दो इंस्पेक्टर की, उसके बाद एसटीएफ ने अपनी तलाश और तेज कर दी थी और इन लोग की तलाश में कई जिलों की खाक भी छानी। फिलहाल देर रात बताया जा रहा है कि कौशाम्बी में गुफरान की मुठभेड़ हुई पुलिस से और उसके बाद पुलिस की गोली से ये गुफरान ढेर हो गया। उसके पास एक कार्बाइन भी मिली है, 9mm की पिस्टल मिली है, यानी कि जो पुलिस को आशंका थी कि जो दो इंस्पेक्टर की हत्या की साजिश रची जा रही है उसको अंजाम देने के लिए ही ये गुफरान बाहर निकला था और जेल से कुछ दिन पहले ही छूटा भी था। तो यानी कि जो पुलिस के पास जो थ्योरी थी और पुलिस के पास जो इनपुट थे वो सही थे, इसी वजह से पुलिस की मुठभेड़ के बाद जब गुफरान मार गिराया गया तो इस तरह के तथ्य भी सामने आए। एसटीएफ के अधिकारी को कहना है कि कुछ और लोग भी उस साजिश का हिस्सा हो सकते हैं, फिलहाल इसकी छानबीन की जा रही है और अन्य जो साथी हैं उनकी भी तलाश की जाएगी कि जेल में किस तरह से संगठित गिरोह तैयार हो रहा है और जेल में साजिशें रची जा रही हैं, इसको लेकर भी एक जो पूरी इस पूरे मामले की तहकीकात है वो आगे भी बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल, तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। तौकीर, तो क्या पुलिस प्रशासन का और यूपीएसटीएफ की टीम में किसी भी मेंबर का, किसी अधिकारी का बयान सामने आया है इस बड़े एनकाउंटर पर? देखिए, जो एडीजी एसटीएफ हैं अमिताभ यश, उन्होंने ही सुबह ये खबर की जानकारी दी थी अपने ग्रुप पे, उन्होंने फोटो शेयर किए थे और उसके बाद उन्होंने ही इस बात की जानकारी दी थी कि कौशाम्बी में गुफरान को पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। 125,000 का इनामिया था, पुलिस एक लंबे समय से तलाश कर रही थी, उनकी तरफ से ही इस तरह की फोटोज भी शेयर की गई थी, मुठभेड़ की फोटो भी शेयर की गई थी, यानी कि ये ऑफिशियली एक तरीके से बयान माना जाए उनका। और उसके बाद ये भी एक हकीकत सामने निकल कर आई कि इन लोग, ये दोनों लोग, जैद और गुफरान, दो इंस्पेक्टर की हत्या की साजिश रच रहे थे। और इस तरह के तथ्यों पर जब पुलिस ने और होमवर्क किया तो कई ऐसे तथ्य सामने निकल कर आए जिसमें बताया जा रहा है कि कौशाम्बी और आसपास इन्होंने अपना एक गिरोह भी सक्रिय कर दिया था।
ठीक है, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से गिरोह को सक्रिय किया गया है उस पर भी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। और अगली खबर फतेहपुर से, जहां फतेहपुर जिले में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर मुस्लिम युवक ने सोनू बनकर पहले हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर लड़की से जबरन रेप के बाद ईंट से सिर कुचलकर उसे लहूलुहान कर दिया। इसके बाद लड़की की मौत हो गई और मौत की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुटी। पर पुलिस की कार्रवाई से नाराज हिंदूवादी संगठनों ने सड़क पर ही शव रख कर जमकर हंगामा कर दिया और आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी को ही गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जबकि इस घटना में 4 से ज्यादा लोग शामिल थे। मृतक के परिजनों ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की भी मांग की थी और इसके बाद आज आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलता हुआ भी नजर आया। तो फतेहपुर से ये बड़ा मामला सामने आया है, लव जिहाद का मामला है, जहां पर एक मुस्लिम युवक ने पहले एक युवती को फंसाया और उसके बाद रेप करते हुए उसकी हत्या कर दी। और फतेहपुर से भीमशंकर जुड़े हुए हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। फतेहपुर से ये बड़ी खबर आ रही है भीमशंकर, लव जिहाद का पूरा मामला है और आरोपियों के घर पर आज बाबा का बुलडोजर चलता हुआ भी नजर आया। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले पर? जी, आपको हम बताना चाहेंगे, लव जिहाद के आरोपी सिकंदर के घर में गरजा है बाबा का बुलडोजर। 22 जून को सोनू बनकर हिंदू किशोरी से किया था रेप। सिकंदर ने रेप के बाद ईंट से हिंदू किशोरी के चेहरे को कुचला था। इलाज के दौरान पीड़िता की कानपुर में हुई थी मौत। वहीं देर रात जब शव पहुंचा तो घर वालों में कोहराम मच गया। इसके बाद हिंदू संगठनों के हंगामे के बाद एक्शन में आया प्रशासन और लव जिहादी के आरोपी सिकंदर के घर में गर्जा बाबा का बुलडोजर। वहीं हिंदू संगठनों का मानना है कि इसमें और अन्य आरोपी हैं, जिसको लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, ये पूरा मामला फतेहपुर जिले के फरीदपुर में घटना घटी थी। आपको बता दें, ये पूरा मामला ज्वालागंज इलाके में लव जिहादी आरोपी सिकंदर के घर में गर्जा है बाबा का बुलडोजर। बिल्कुल भीमशंकर, तो क्या इस पूरे मामले को लेकर अब जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई भी हो चुकी है, मृतका के परिजनों से बातचीत हुई, क्या कुछ कहना है उनका? हालांकि मृतका के अंतिम संस्कार हो चुका है, परिजन अभी भी संतुष्ट नहीं है। परिजनों का मानना है कि अभी इसमें अन्य आरोपी हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस की तरफ से पूरी जांच की जा रही है, यदि अन्य आरोपी हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल भीमशंकर, तो देश के तमाम हिस्सों में जिस तरह से ये लव जिहाद की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, हिंदू संगठनों में काफी ज्यादा ऐसे में रोष की स्थिति देखने को मिलती है, तो फतेहपुर में एक शांतिपूर्ण माहौल बना रहे इसके लिए पुलिस प्रशासन क्या कुछ व्यवस्था करता हुआ नजर आ रहा है? पुलिस प्रशासन एकदम से पूरी तरह से सतर्क है, अलर्ट है। बाकायदा उसका कहना है कि लव जिहाद के मामले न हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ठीक है भीमशंकर, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फतेहपुर से हमारे संवाददाता ने इस तमाम खबर पर जानकारी दी और फतेहपुर में जिस तरह से ये लव जिहाद का मामला सामने आया था उसके बाद तनावपूर्ण माहौल ना हो, शांतिपूर्ण माहौल बना रहे इसके लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहीं जमियत उलेमा हिंद और दारुल उलूम देवबंद ने मुस्लिमों से ईद उल अजहा पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना करने और सड़कों पर नमाज ना पढ़ने की अपील की है। सहारनपुर पुलिस के अनुरोध पर गांव के मस्जिदों से भी माइक पर ऐलान किए जा रहे हैं कि मुसलमान सड़कों पर ईद की नमाज ना अदा करें और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना दें। मैं मुफ्ती मुजम्मिल हुसैन मुजफ्फरनगरी उस्ताद दारुल उलूम देवबंद आप हजरात से मुखातब हूँ। मस्जिद रशीद में ईद उल अजहा की नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी बंदे के हवाले की गई है। इस ताल्लुक़ से मुझे चंद बातें आप हजरात के सामने अर्ज़ करनी हैं। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले मैं आप हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ईद उल अजहा का ये मौका दोबारा हमें इनायत फरमाया। अल्लाह हमारी इबादत को कबूल फरमाए। उसके बाद में टाइम के ताल्लुक से आप हजरात के सामने अर्ज़ करना है कि मस्जिद रशीद में ईद उल अजहा की नमाज का वक्त जो मुकर्रर किया गया है वो सुबह 6 बजे है और टाइम ही पर इंशाल्लाह नमाज हो जाएगी। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि जोशीमठ और चमोली बद्रीनाथ धाम के जिम्मेदारा
जिम्मेदारों का फैसला मुस्लिम विरोधी है। इन जगहों पर सालों से ईद और बकरे ईद मनाई जाती रही है और ये परंपरा है, इसको खत्म किया जाना सरासर गलत है। मैं तमाम जिम्मेदारों से गुजारिश कर रहा हूं कि वो अपने फैसले पर पुनः विचार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोशीमठ और चमोली बद्री धाम में वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने जो बकरीद न मनाने का फ़ैसला किया है, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे कल्चर को नुकसान पहुँचाने वाला है। हमेशा से वहाँ पर बकरीद ईद उल अज़हा मनाई जाती रही है और मनाई जाती रहना चाहिए। उनका ये फैसला सरासर नफ़रत फैलाने वाला है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ है।